नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम वायलिन पे सीखने वाले हैं एवरी नाइट्स इन माय ड्रीम, यस टाइटैनिक सॉन्ग। दोस्तों, इसमें जो फ्लूट का पार्ट है वो भी हम सीखेंगे और ये गाना कैसे बजाया जाता है ये भी हम सीखेंगे। और आपको हेल्प हो, मतलब कि आपको आराम से पता चले कि इसमें कौन से नोट्स बज रहे और कौन सी फिंगर यूज़ हो रही है, इसलिए आपको स्क्रीन के ऊपर इंडियन और वेस्टर्न दोनों नोटेशन मिलेंगे। साथ ही साथ फिंगर बोर्ड के ऊपर मेरी फिंगर पोजीशन भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इसका वायलिन ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम इसका स्केल, मतलब कि इंडियन के हिसाब से इसमें कौन से नोट्स आ रहे और वेस्टर्न के हिसाब से इसमें कौन से नोट्स आ रहे। सबसे पहले देखते हैं हम इंडियन के हिसाब से। इंडियन के हिसाब से इसमें रे शुद्ध भी आ रहा है और रे कोमल भी आ रहा है, और ये जो म है ये तीव्र म आ रहा है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इंडियन के हिसाब से इसमें कौन से नोट्स आ रहे हैं। इसमें ये कोमल रे भी आ रहा है, आइए हम देखते हैं कोमल रे। ये कोमल रे का साउंड है, ये शुद्ध रे का। और वेस्टर्न के हिसाब से ये ई मेजर स्केल। तो हम देखते हैं ये ई मेजर स्केल कैसे बजता है। ये यहां से शुरू होता है फर्स्ट फिंगर से, आइए देखते हैं। ये जो लिटिल फिंगर मैंने ई बजाया है, ये आप इसको ओपन भी बजा सकते हो। आइए हम अभी वापस आते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले देखते हैं हम इसका म्यूजिक पार्ट। बहुत ही प्यारा म्यूजिक है इसका, फ्लूट में बजाया हुआ है, हम उसको वायलिन पे सीखेंगे। म्यूजिक शुरू होगा, ये भी शुरू होगा रे से। रे ग ग म प म ग रे ग ध, प म रे नी प म रे नी। अभी हम इसको नेक्स्ट लाइन देखते हैं। रे ग ग म प म ग रे ग ध, उसके बाद म ध नी ध म ग, अभी हम देखते हैं इसको किस तरह बजाते हैं। दोस्तों, इसमें जो मैंने स्लर में बजाया हुआ है, मतलब एक बो में बजाया हुआ है, वो आप देख लेना वीडियो बैक करके, पॉज करके, कि कौन कौन से नोट्स मैंने मतलब एक बो में बजाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसका आगे का पार्ट, मतलब अभी इसके बाद शुरू होता है गाना। तो आइए देखते हैं हम इसका गाना।
Every night's in my dream. रे 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 रे। अभी जो मैंने ये नीचे किया ये कोमल है, मतलब इसको आप बोल सकते हो डी शार्प। नेक्स्ट लाइन, आई सी यू रे रे रे। I feel you, ga ma ga. That is how I know you. Same line, re 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 re. ये अलग है। अब रे ध, अभी इसके बाद जो दो लाइन है, फार अक्रॉस द डिस्टेंस एंड स्पेस बिटवीन अस यू हैव कम टू शो यू गो, ये भी सेम नोट्स है। अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नियर फार Wherever you are, re ga dha dha pa ma ga. I believe there's the hardest goal. ये नोट्स आएंगे। देखते हैं, म प म ग रे 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 नी ध नी रे। ये कोमल रे बजा यहां पर, ठीक है। दोबारा उसके बाद वन मोर यू ओपन द डोर, जैसे फर्स्ट लाइन थी रे गा ध ध प म ग। And you are here in my heart, ma pa ma ga re re re. And my heart will re 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 re, will go. आइए दोस्तों, अब हम इसको विथ म्यूजिक पार्ट बजा के देखते हैं। अब गाना,
दोस्तों, आज का ये वायलिन ट्यूटोरियल आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स है इस गाने के रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।